धुआं 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 है। क्या हो रहा है? ये सर्दी नशा होता है। बताना चाहोगे? बताना चाहेंगे। क्या क्या होता है, कैसे होता है? सांस की बीमारी हो या हमारे सांस की बीमारी है, दवा पीने से सही हो जाएगा। किसको? इसको पीने से? हाँ। इतने मर के चले भी गए इससे, इसी से मर भी जाते हैं। हाँ। और इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप लोग पी रहे हो? हम लोग लाते भाई, जैसे साहब कोई दारू पीता है नहीं छूटता है, कुछ नहीं है। आपके पैर तो पोलियो है साहब? भाग नहीं साहब, पीले मर जाए जल्दी छुट्टी साहब। पैर दिखाओ, उनका हटाओ कपड़ा। क्यों पीते हो यार? अगर ये नहीं मिलेगी सर इन लोगों, तो फीलिंग होगी हाथ पैर कांपेंगे। कहाँ से लाते हो? कैसे मिल? दूर से। कहाँ से लाते हो? मवैया से। मवैया पूरा गढ़ है, हर चीज मिलेगा वहाँ मवैया में। मवैया। और इसका प्राइस कितना होता है? 50 रुपये की आती है, 150 रुपये की आती है, 200 रुपये की आती है, 30 की आती है। क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? इसका स्मैक। इसमें दिखाना चाहोगे कैसी होती है? ये है स्मैक, ये तो लिक्विड है। लिक्विड की तरह पिया जाता है। तो ये नशा कब से कर रहे हो आप? 3 महीने से। 3 महीने से। क्या मजा आता है इसको नशे करने में? बाबू जैसे मजा कुछ नहीं आता है, सबको अपनी अपनी फीलिंग का नशा है। तो जो नशा करता है वो बाबू जी छोड़ता नहीं। हम लोग उसकी लत लग गई है, मुर्गा उठाते हैं खाने में। खाने में क्या? लाश उठाते हैं, लाशों से दवा लोग मर जाते हैं। लाश उठाते हो आप? इन लोगों को उठा के ले जाना पड़ता है। अभी परसों लेके गए, आज पोस्टमार्टम होगा। कहाँ से उठाते हो लाश को? कहीं भी मरे, हुसैनगंज, आलमबाग, नहरिया, पारा, बारागढ़, कहीं भी लखनऊ के अंदर मरे। कोई आदमी जैसे रोड पे जो मर जाता है, पुलिस को लेने आएगी हम लोग? क्या पैसा मिल जाता है उसमें? बाबूजी देते तो 1800 रुपये, लेकिन दलाल लोग खा जाते हैं पुलिस वाले। फिर भी आपको 1000 रुपये मिल जाता है एक लाश? 500 रुपये दे देंगे, दुकान में 2.5 के बाद तो 4 क्वार्टर दारू पी दे। बिना नशे के काम नहीं कर पाते? सब जानते हैं बाबू, हम बिना नशे सड़ी बाटी तो उठा नहीं पाएंगे। तो पुलिस को आपके ठिकाने पता है कि आप कहाँ मिलोगे? उनको सब पता है कि आप इतना नशा करते हो। और परिवार में कौन कौन है? 2 बहन है, 1 भाई है, मवैया में रहते हैं। शादी आदि हुई आपकी? शादी आदि करना तो बहुत चाह, लेकिन ऐसा नशा कर लिया। तो नशा अगर छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते? इतने लोग से पहचान है यहाँ, बड़े बड़े लोगों से, तो वो भी कहते हैं कि बेटा नशा छोड़ दो, हमारे घर में रहो। लेकिन ये नशा ऐसा है, जान ले लेगा तभी छूटेगा, वरना छूटेगा ही। कोशिश करी कभी आपने नशा छोड़ने की? कोशिश करी कभी आपने? वो कोशिश की, भाई मैंने छुआ नहीं। कहाँ से समस्या आती है? दोस्तों यारों ने आके बेटा एक लाइन लगा ले, लगाया यहाँ 4 बाजार में किसी से पूछ ली, खाने आलम नाम किसका है, सब जानते हैं। ना मैं चोरों में गिनती, ना उठाई गिरों में, ना इनके जैसे इसमें एक ही होगी। हाँ, सिर्फ लाश उठाता है, पुलिस के साथ रहता है, पुलिस की गांड गुलामी भी नहीं करता, उसके पीछे पीछे घूमूँ, काम होगा खुद आएगी बुलानी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो पुलिस ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि यार नशा करते हो आप, छोड़ दो उसको, ये गलत चीज़ है? पुलिस जान नहीं, नशा नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, और इनको मारेंगे तोड़ेंगे मर जाएंगे, ब्लेड स्लेट मारने लगेंगे अपनी। ब्लेड मारा था? क्यों मारा था भाई ये? इसलिए मारते जब कोई बड़ा आदमी मिलता अत्याचार गरीबों पर करने लगता है कि लाभे तेरे पास क्या है, हम लोग के पास क्या है, 10-20 रुपया जाके अमीरों की मार दो, उसके बाद 10-20 लाख लगाए, तुम गरीबों से छीन के खा रहे हो। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं यहाँ? यहाँ पे 4 बाजू। ऐसे लोग कौन होते हैं बताना चाहो? ऐसे लोग के लिए हम लोग जैसे स्मैकिए होते हैं, चुरबे होते हैं, उड़ाईगिर होते हैं, वो लोग करते हैं आपके साथ जबरदस्ती? उसमें पुलिस मिली हुई है, लंबा काम किया तो पुलिस को आधा दे दिया, पुलिस की जवान बंद, जिसका चुराया उसी गांव लाठी मार के क्या कह रही है, कह रही कि 4 बाग में क्या अपनी माँ में आए थे, तुमको तो पता ही है 4 बाग है, यहाँ तो चोरी होती है, क्या बोलेगा आदमी, तो क्या मुँह बंद करके चला जाता है। तो आपने पढ़ाई वगैरह क्यों नहीं करी? पढ़ाई वगैरह बाबूजी माँ बाप ने शुरू से गरीब थे, फुटपाथ पे रखा, फुटपाथ पे भीख मंगवाया जिंदगी भर, कभी अच्छे लोग में रखा ही नहीं, तब भी अच्छी आदत जानते हैं, कैसे बड़े से बात करना है ये भी जानते हैं, कैसे बुजुर्ग से बात करना ये भी कमी है। जब से आप रहने आपने गलत बोले, पढ़ाई लिखाई भले ही नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने दिमाग इतना दिया है। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी क्या करते थे? पिताजी भीख मांगते थे। जब वो लोग भीख मांगते थे तो आपने कुछ अलग काम करने की क्यों नहीं सोची? करवाया ही नहीं, उनने अपना फायदा उठाया, बोले इससे मैं कमा के इकट्ठा करूंगी, बड़े वाले भाई को दूंगी, आज उसका घर बना हुआ सब कुछ पड़ा है बरेली में। आज बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई टेम्पो चलाता है। माँ ने मुझको अपना ही मतलब जरिया बना लिया था,
कि ये छोटा है इससे भीख मंगवाते रहूँगी, जब ये बड़ा हो जाएगा तब तक मैं मर जाऊँगी, और वही हुआ, मर गई। अब मैं किससे जाके चिल्लाऊँ कहूँ, आदमी तो मुझको पागल समझेगा। अगर आप नशा छोड़ दोगे तो पता है शादी वगैरह भी हो सकती है। शादी अभी भी हो रही है, एक से एक शादी हो रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं हम फुटपाथ पे पड़े उसको थोड़ी रखेंगे जाके चार के उसको रात बिरात उसको गंदी निगाहों से देखें। कोई पछतावा है जिंदगी? जिंदगी से एक ही पछतावा है कि अगर आज कुछ कर लिया होता तो बने होते आप लोग की तरह। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, और कोशिश करो यार कि नशा छोड़ दो यार। इन सबसे हटके हैं हम, इन नशेड़ियों से हटके हैं, हमको टूटन नहीं होती है। आपने देखा जब से बैठा हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये सब पी के दारू ऐसे ऐसे ये सब काम नहीं मिला तो मारी नहीं बाल बलमचारी। मीडिया में जरूर डालिए जय बात।